हेलो फ्रेंड, आपका न्यूयॉर्क सिलाई बिनाई में स्वागत है। आज का वीडियो है न्यू बिगनर्स के लिए। देखिए, न्यू बिगनर्स जब सिलाई करने चलते हैं तो क्या होता है कि छोटा छोटा प्रॉब्लम आ जाता है, उसी पर हम वीडियो बनाए हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़ा पूरा ही खींच लेता है। देखिए, हम सिलाई करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड, जब आपको कपड़ा खींचता है तो देखिए आपको कहाँ से दिक्कत होगा, पहले आप सिलाई करके हम दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरह से कपड़ा देखिए पूरा खींच लिया है। देखिए, देखिए ये कपड़ा खींच लिया है और धागा भी देखिए ये कट गया है। देखिए ये प्रॉब्लम कहाँ से आया है फ्रेंड, वो हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए, अगर इसको ज़्यादा टाइट हो जाता है तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। इसको थोड़ा सा आप लूज करके और उसके बाद सिलाई करके देखिएगा। देखिए, हम थोड़ा सा ऐसे लूज कर लिए हैं। अब इसमें धागा लगा के और सिलाई करके देखेंगे सिलाई कैसा आ रहा है। फ्रेंड, हम उस तरह का मशीन आप लोग को दिखाने के लिए सेट किए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए, हम सिलाई करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। देखिए, अब सिलाई ये सही हो गया। देखिए अब दूसरा प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है, पहले हम सिलाई करके दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ऊपर का धागा बिल्कुल सही है और नीचे का धागा देखिए इस प्रकार दे रहा है। देखिए देखिए फ्रेंड, क्या है, अगर आपका मशीन में नीचे का प्रॉब्लम होगा, नीचे का धागा ख़राब देगा, तो आपको ऊपर कुछ नहीं करना है, आपका नीचे बोबिन केस में दिक्कत होगा। पहले आप क्या कीजिएगा कि धागा निकाल लीजिएगा और निकाल के बोबिन केस को चेक कर लीजिएगा। नीचे देखिए, हम ये धागा निकाल लिए हैं और देखिए ये बोबिन केस में धागा देखिए किस तरह से है, ऐसे है। देखिए ऐसे ही धागा निकलेगा इसमें। देखिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसे ढीला आना शुरू हो जाता है, नहीं तो देखिए इस तरह से आना शुरू हो जाता है। देखिए ऐसे धागा आएगा, सही तरीक़े से नहीं है, इस तरह से आएगा तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो इसको क्या कीजिएगा कि आप देखिए, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप थोड़ा सा यहाँ से क्या कीजिएगा कि ऐसे बोबिन निकाल लीजिएगा। अब बोबिन निकालने के बाद इसको बोबिन ऐसे निकाल के, यहाँ से पेचकस की ज़रूरत नहीं है, बोबिन से ऐसे थोड़ा सा आप इसको टाइट कर लीजिएगा। क्या होता है कि देखिए बोबिन केस का ये पत्ती है, पत्ती थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, इसके वजह से ये धागा बाहर की तरफ ही फेंक देता है, धागा अच्छा नहीं आता है और सिलाई ख़राब आता है। देखिए इसको इस तरह से रहना चाहिए, इसको हम अब लगाएंगे और लगा के सिलाई करके आपको दिखाएंगे सिलाई कैसा हो रहा है। देखिए बोबिन लगाते समय आप ध्यान दीजिएगा, जब बोबिन लगाइएगा तो उसमें से एक टक का आवाज़ आएगा। देखिए ये बोबिन केस सही से सेट हो गया। अब देखिए धागा ऊपर हम ले लिए हैं। देखिए अब सिलाई करके देखेंगे। देखिए हम यहाँ पर सिलाई करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप ऊपर की सिलाई देख लीजिए, देख लीजिए और ये नीचे का सिलाई देखिए, नीचे का सिलाई देखिए बिल्कुल सही सिलाई दिया है। देखिए अब मशीन सही हो गया, अब आप सिलाई कर सकते हैं। देखिए
हम जो धागा का बखिया है हम 5 पे किए हैं, ताकि पता चले आप लोगों को अब ये सही हो गया, अब आप सिलाई कर सकते हैं। फ्रेंड इसी तरह का छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है, आप लोग परेशान हो जाते। देखिए तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि मशीन का धागा बार बार टूट जाता है। देखिए जब धागा आपका टूटेगा तो आप पहले यहाँ से इसको सही करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइट रहेगा उसके कारण भी धागा टूटता है, और ज़्यादा सुई आपको तिरछा कसाएगा उसके कारण भी धागा टूटता है। सुई भी आप चेक कर लीजिएगा, धागा तोड़ने का यही कारण है। देखिए फ्रेंड चौथा कारण क्या है कि जब हम सिलाई करते हैं तो धागा ऊपर नहीं आता है, उसका आप क्या कीजिएगा। जब धागा आपका ऊपर नहीं आएगा, देखिए जब नीडल से धागा निकाल रहे हैं तो ऊपर नहीं आता है, उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो ये गज है, गज ऊपर की तरफ थोड़ा सा भी खिसक जाएगा तो ये धागा नीचे से ऊपर नहीं आता है। देखिए फ्रेंड गज क्यों खिसकता है वो भी आप जान लीजिए। जब आप मोटा कपड़ा डायमंड वगैरह लगाया हुआ सिलाई कीजिएगा तो गज है जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगा तो नीचे का धागा ऊपर नहीं आता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। फ्रेंड इस पर हम वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड मेरे चैनल पर रिपेयरिंग का बहुत ज़्यादा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड आपको जो पूछना होगा रिपेयरिंग से जुड़ी हुई, जो भी आपको समस्या आएगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।